दोस्तों आपने सुना होगा कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद करने या फ्लाइट मोड ऑन रखने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों निर्देश दिया जाता है शायद आप लोगों में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फ्लाइट में सफर करने के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आपके फोन को फ्लाइट मोड इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि जब आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फोन की सारी डेटा सर्विस जैसे वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सभी डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है, और वही फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट के कंट्रोल सेंटर यानी ATC से कनेक्ट रहना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल का सिग्नल उनके कनेक्टिंग लिंक में बाधा डाल सकती है, जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं सुनाई पड़ने के कारण तथा उन्हें फॉलो नहीं कर पाने के कारण काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि हम लोगों को यात्रा के दौरान हमें हमारे फोन को स्विच ऑफ या उसे फ्लाइट मोड ऑन रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उस प्लेन में बैठे हजारों लोगों को जान ले सकती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।